हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पिल्लो कवर का एक एम्ब्रॉयडरी डेमो दे रही हूँ। इस पिलो के लिए मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया है जिसकी पूरी डिटेल इस स्क्रीन पे है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इस डिज़ाइन में टोटल कितने कलर हैं, टोटल कितने स्टिचेस में काम हो जाएगा, हर कलर में कितना वक्त लगेगा। जो अब कलर है वो है पिंक, जिसमें 10 मिनट लगेंगे। वीडियो बनाने का ख्याल मुझे बाद में आया था, फ्रेमिंग और वो मैं नहीं दिखा पाई, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी किसी दूसरे डिज़ाइन में। इस पूरे डिज़ाइन में टोटल 8000 टांके लगेंगे, जो कि 21 मिनट का काम है। पिंक कलर अभी चल रहा है, इसमें टोटल 10 मिनट लगेंगे। 3500 के करीब स्टिचेज हो चुके हैं। दोस्तों, ये कलर हुआ पूरा, अब हमें थ्रेड बदलना होगा। आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर पहले पिंक था, जो कि लिस्ट में निकल चुका है क्योंकि वो अपना कम्प्लीट हो चुका है। पिंक को हटा देते हैं और सी ग्रीन लगा देते हैं। इस मशीन में ऑटोमेटिक थ्रेडिंग है, मशीन थ्रेड अपने आप ले लेती है। स्टार्ट करते हैं। इस कलर का काम काफी कम है। लो, हो गया। अगला कलर है हल्का ब्लू कलर। मेरे पास ये कलर नहीं है तो मैं कोई और कलर लेती हूँ, तो आप भी कोई मिलता जुलता कलर लगा सकते हैं। वीडियो क्वालिटी के बारे में आप मुझे राय दे सकते हैं, इसमें क्या क्या सुधार होने चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ये भी हुआ पूरा, काम आधे से ज्यादा हो चुका है। आप 4/5 देख रहे हैं, 5 कलर में से चौथा कलर चलेगा, वो कलर है फ्रोजी, जो कि 1 मिनट चलेगा। फ्रेमिंग यानी कि हुपिंग मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा एम्ब्रॉयडरी होते समय सुई के दबाव से आगे पीछे ना हो, जो कि अभी इसमें हो रहा है। अब रह गया है लास्ट कलर। जैसे मैंने कहा था कि फ्रेमिंग थोड़ी सी ठीक नहीं हुई थी, तो मैंने फ्रेम निकाल के थोड़ा सा एडजस्ट करा है। इसकी वजह से हो सकता है कि ये कलर थोड़ा सा आउटलाइनिंग हो, मतलब कि हो सकता है कि ये कलर थोड़ा सा आगे पीछे हो। ये जो आप फालतू धागे देख रहे हैं, इन्हें जंप स्टिच कहते हैं, जिन्हें बाद में हमें काटना होगा।
लो दोस्तों, डिजाइन बनकर तैयार होने ही वाला है और हो भी गया। फ्रेम निकालते हैं तो देखते हैं कैसी हुई है एम्ब्रॉयडरी। ये जंप स्टिचेज है, इन्हें काटते हैं। ग्रे शेड थोड़ा सा आउटलाइनिंग हुआ है। ये है हमारा फाइनल लुक। एक बार फिर कहती हूँ कि फ्रेमिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना और एम्ब्रॉयडरी करते हुए फ्रेम को पकड़ना नहीं है। कपड़ा फ्रेमिंग के नीचे नहीं आ जाए, सुई के नीचे नहीं आ जाए, उसके लिए आप कपड़े को साइडों से टेपिंग कर सकते हैं। ओके, बाय।